हूँ। अच्छा रुको, आज बनी है हमारे घर में पहाड़ी भटकी दाल, लेकिन जल गई है भटकी दाल। नीरू जल गई क्या? थोड़ा थोड़ा जल गई है, थोड़ा थोड़ा जल गई। हाँ थोड़ा जल गई, कोई नहीं, चलता रहता है, इतना तो नॉर्मल है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। सो आज डेट है 23 मार्च और दोपहर के बज रहे हैं 3:30। ठीक है, इस टाइम पे हमारा हो रहा है लंच। ठीक है, तो लंच हो रहा है और मेरा तो हो गया खाना पीना, और नीरू मैडम जो है खा रही है और खुद की जली हुई दाल खा रही है। भटकी दाल जो है इसने जला दी थी, तो जल भी गई थी। इसका फ़ोन आया था कि दाल जल गई है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जल जाती है, नॉर्मल है, लाइफ है, छोटे मोटे चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, दिखाओ जरा दाल, दिखाओ। मतलब दिख नहीं रहे जले हुए, लेकिन थोड़े ये देखो, नीरू मैडम ने जो है पहाड़ी भटकी दाल जो है जला दी है और चावल इसने किए हैं वेस्ट। ए बात बताओ, जब तुम्हें खाना नहीं होता तो इतना फालतू लेती क्यों? मैं सोचती हूँ खा लूंगी इतना, लेकिन खा नहीं पाती। यार वेस्ट नहीं करना चाहिए, पता, अन्न का वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। लो उतना ही जितना खाना खा पाओ, ठीक है? हाँ। अगली बार से ये वाली बात ध्यान रखना। हाँ। समझ में आई बात? दाल भी फेंक रही हो, ए भगवान, इतना बर्बाद ठीक नहीं है वैसे यार, ये गलत बात है। हाँ मतलब फिर भी यार, अन्न का बर्बाद नहीं होना चाहिए, गलत बात है ये, अगली बार से ध्यान रखना ये वाली चीज़ें। बकरी, बकरी का नाम नीरू है, वो भी बर्बाद कर देगी तो। तुम्हें इतनी जान क्यों लगानी थी इसमें? नीरू ने ये कपड़े सुखाने वाली रस्सी तोड़ दी, वहाँ बांध रखी थी वहाँ पे, और इसमें कपड़े सूख रहे थे, इतनी तेज खींचा कि कपड़े तो नीचे आ गए, रस्सी भी नीचे आ गई। इतनी जान क्यों दिखा दिया तुम? माना कि तुम पहाड़ी हो, तुम में जान है, इसका मतलब तुम ये कपड़े सुखाने वाली रस्सी तोड़ दोगी? ये देखो नीरू मैडम को अमरूद के पेड़ में चढ़ रही है, और क्यों चढ़ रही हो? ये रस्सी खोलने के लिए। बा और मेरे को लगा तुम गिर गई। जाओ 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 जाओ, आराम से जाना, बस आराम से, दांत वांत ना टूट जाए तुम्हारे। तुम पहाड़ी नहीं हो, पहाड़ी लोग तो चढ़ जाते हैं ऐसी। ये नीरू मैडम चढ़ गई है अमरूद के पेड़ में। अरे बंदर नहीं है ऊपर, तुम्हारे भाई बहन है वो। रस्सी खोलो और नीचे उतरो। ये इतने सालों हो तुम ना आइसक्रीम की वजह से तुमने मुझे बोला। तुम्हें आइसक्रीम खानी थी तो ये रही आइसक्रीम, खुश? हाँ, खुश। तो आइसक्रीम में बताओ, ये नाम बताओ। रुको वो पढ़ने हैं। नाम बताओ। एक कौन वाली? नहीं नहीं कौन वाली तो है, कौन सी, नाम क्या है, फ्लेवर कौन सा है? फ्लेवर बटर। आगे स्कॉच। ओ बटर स्कॉच, सही जवाब। तुम्हें मिलता है गिफ्ट में बटर स्कॉच आइसक्रीम। खाओ 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 खाओ। कैसी हो रही है? बहुत ही अच्छी हो रही है, बहुत ही बढ़िया, मस्त फ्लेवर है। मतलब हमारा फेवरेट है ये बटर स्कॉच। ठीक है, तो जब भी हम लाते हैं आइसक्रीम तो ये वाले आइसक्रीम खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार। मेरा मतलब उतना फेवरेट नहीं है जितना, क्या मतलब, महंगो क्या है वो आम। सानर। ओ मम्मी। सानर। टूट गई, टूट गई, रूप दिखा देने टूट गई। और
ये देखो, ये हमने थोड़े से यहाँ पे उगा रखे हैं गेंदा। गेंदा को और क्या बोलते हैं? बोलते हैं। नहीं, गेंदा फूल। हाँ जी, जाओ दो राउंड मार के आ जाओ। लॉक लगाओ उसमें। कहाँ लगाया? तो साइड कर दो उसे। तो शाम के बज गए हैं 4:15, और आज के लिए व्लॉग में रखते हैं इतना ही। अगर आपने व्लॉग एंजॉय किया हो तो लाइक कर देना, और अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन को दबा दो और बेल आइकन दबा दो।